अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं बनाने लगी हूँ क्विक पिकल बनाने जा रही हूँ, मिक्स अचार बनाने जा रही हूँ, जो कि जल्दी से बन जाएगा, बहुत ही मजेदार सा बनेगा। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो हूँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गाजर लिया है, थोड़ा सा मूली काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। साथ ही मैंने यहाँ पे देसी लहसुन का इस्तेमाल करूंगी, और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी शैलट्स ले लिए हैं, छोटी वाली जो प्याज होती है वो ले ली है, और यहाँ पे साथ ही मैंने छोटी वाली जो हरी मिर्चें होती हैं, तो छोटी वाली हरी मिर्चें वो ले ली हैं। ठीक है, तो ये जो है आप इस पसंद की जो भी सब्जियों का चाहें तो चाहे इसमें गोभी भी डाल सकते हैं, और भी जो चीजें आपको डालना चाहिए सेम वगैरह आपकी मर्जी के सामान इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, ये सारी सब्जी तकरीबन 1 किलो के करीब है, और लेकिन इनको साफ सुथरा करने के बाद, सारा छीनने के बाद, इनके सारा कचरा और सब सफाई फाई करने के बाद, अब इसका वजन जो है वो नेट 720 ग्राम, यानी कि 7.5 रख लें, 750 ग्राम है। अच्छा, इन सब्जियों को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद उनको कटिंग कर लिए, खुश कर लिया। खुश करने के बाद मैंने इनको कोई 4 से 5 घंटा खोला, इनको मैंने जो है धूप लगाई है ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाएं, और इसके जो है बिल्कुल भी खराब ना होना ये अचार। तो ये देखिए बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं, और बल्कि बाकायदा मैंने इस पर मजीद केयर के लिए मैंने इसको किचन टावल पे बिछा दिया था ताकि ये अच्छी तरह से जो है इसी पे रहें। ठीक है, तो ये इसको बस अब इसका कहते हैं मसाला बनाने जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन ले लिया है, और इसमें थोड़े से मसाले जो है वो भून लूंगी, ड्राई रोस्ट करूंगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैं शामिल कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून खुश धनिया, साबित धनिया ले लिया है, वो शामिल करूंगी। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे सौंफ ले ली है, वो शामिल कर दिया। 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मस्टर्ड सीड ले लिया है, यानी कि रायदाना ले लिया है, साबित रायदाना। 1 छोटी खाने की चम्मच लिया, यानी कि 1 टीस्पून ले लिया है मैंने यहाँ पे सफेद जीरा, और आधी छोटी खाने की चम्मच लिया है मैंने यहाँ पे मेथी दाना। अब मेथी दाने का इस्तेमाल कम किया जाता है क्योंकि ये जो है इसको पीसने से भी कड़वा हो जाता है, कड़वाहट होती है इसमें, लेकिन इसके भी इसको डालना जरूरी है, इससे भी फ्लेवर आता है। ठीक है, इसको मैं हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लूंगी सब चीजों को। इससे क्या होगा कि इसे मसाले में से बड़ी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, भीनी भीनी, और फिर इनको ड्राई रोस्ट करने के बाद मैं इसे पीस लूंगी मीडियम फ्लेम पे। मैं इसको जब इसको हल्का सा कलर चेंज होगा, ये खुशबू उठने लगेगी, तो मैं इतना बस इसको जो है रोस्ट करूंगी। और इसको पीसने के लिए आप इमाम दस्ते के इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको बहुत बारीक फाइन पाउडर नहीं बनाना, बल्कि इसको मतलब टूटा बसा होना चाहिए, हल्का सा क्रश करना है। तो इसके लिए मैं इसको मशीन में करूंगी, आप चाहें तो इसे इमाम दस्ते में भी कूट सकते हैं। ये देखिए इसको मोटा मोटा ये सारा मसाला जो है क्रश हो गया है, इसको मैं एक प्याले में डाल दे रही हूँ। मैं थोड़े से और मसाले शामिल करूंगी, सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूंगी अजवाइन आधी छोटी चमची, 1/2 टीस्पून कलौंजी शामिल करूंगी, 1 टीस्पून साबित डाला जाता है, पीसा नहीं जाता, और उसका जायका जो है वो अचार के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आधी छोटी चमची मैंने ले ली है यहाँ पे हल्दी, 2 बड़े खाने के चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, और 1 छोटी चमची ली है मैंने यहाँ पे काला नमक, 1 टीस्पून। साथ ही मैं यहाँ पे नमक शामिल कर रही हूँ, यहाँ पे 2 टेबल स्पून यानी कि 2 खाने के बड़े चम्मच जो है मैं इसमें यहाँ पे नमक शामिल कर रही हूँ। नमक इसमें ज्यादा ही शामिल किया जाता है क्योंकि ये न सिर्फ प्रिजर्वेटिव के काम करता है, बल्कि अचार में बहुत ही अच्छा, थोड़ा सा नमक तेज होता है अचार वगैरह में, थोड़ा सा नमक तेज ही रखा जाता है। तो यहाँ पे हो गए सारे मसाले, और बस इसको मैं एक तरफ कर दूंगी, और अब हम इसकी दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। ठीक है, ये जो है जबरदस्त सा मजेदार अचार का मसाला जो है ये रेडी हो गया है। आप इसको किसी भी जगह इस्तेमाल करें, इसको बना के रख लें, और फिर इसको आप इसकी मिर्ची बनाएं, बैगन बनाएं, इस मसाले के साथ अचार बनाएं, और ये आराम से इसको पूरा साल आप रखकर इस्तेमाल करें, इनको खराब नहीं होगा। बहुत ही जबरदस्त मजेदार सा ये अचार का मसाला आपका तैयार हो चुका है। चले अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप सरसों का तेल। अच्छा, बहुत से लोगों को सरसों के तेल की जो तेजी या खुशबू, तेज खुशबू जो होती है वो पसंद नहीं आती, तो इसके लिए हम इसको यहाँ पे इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब इसको इतना गर्म करेंगे कि इसमें से धुआं निकलने लगे, तो फिर इसका जो है जो फ्लेवर भी कम हो जाएगा, इसकी जो महक है या तेजी है वो कम हो जाएगी। इसमें से ये अच्छा खूब तेज गर्म हो गया, इसमें से अब धुआं उठने लगा है। अब मैं इसका चूल्हा बिल्कुल चूल्हे पे से हटा दूंगी ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अब ये हल्का गर्म है, बहुत तेज गर्म नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पे 1 खाने का चम्मच जो है ग्रेट किया हुआ अदरक ले लिया है, तो इसे 1 से 1.5 खाने या 2 खाने का चम्मच आप ले सकते हैं। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है, अचार का टेस्ट तो अच्छा करेगा ही, लेकिन ये वैसे भी फायदेमंद है, सर्दियों के लिए भी अच्छा होता है और हाजमे के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं इसका ले रही हूँ 1 बड़ा खाने का चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक। ये डालने के फौरन ही बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी यहाँ पे लहसुन, और इसको भी 10 सेकंड के लिए सौते कर लूंगी। यहाँ पे अब मैंने आज जो है हल्की सी खोली भी है, बस इसको 10 सेकंड के लिए मैंने इसको चलाया है, और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी प्याज और हरी मिर्च। तो यहाँ मैंने छोटी वाली प्याज भी और हरी मिर्च दोनों शामिल कर दे रही हूँ, बाकी सारी जो सब्जियां हैं वो भी शामिल कर दूंगी, गाजर और मूली भी डाल दे रही हूँ। फ्लेम इसका मीडियम कर दूंगी,
इसको भी 1 से 2 मिनट तक चला लूंगी। इसको बहुत सॉगी या इतना ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है कि इसको नरम हो जाए, ये बस इसको इतना पकाना है कि ये जो है इसका जो मॉइस्चर है ना वो खत्म हो जाए, ताकि ये जो है खराब ना हो। सही है। साथ ही मैंने जो यहाँ मसाले पीस के रखे हैं वो सारे मसाले भी इसमें शामिल कर दूंगी, ये देखें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। तेल इसमें से थोड़ा सा पहले से कम कर लें, ताकि जो है मतलब पहले ये अच्छी तरह से जो है मतलब तेल जब गर्म करें तो उसमें से जो है मैं थोड़ा सा तेल निकाल लिया था ताकि मैं बाद में डालूं। और ये देखें, ये मसाले इसमें अच्छी तरह से लिपट गए हैं और ये अचार जो है मिक्स अचार जो है बिल्कुल रेडी है। 2 से 3 मिनट अब मैंने इसको सब्जियों को अच्छी तरह चला लिया है, चूल्हा मैं बंद कर दे रही हूँ। और अब मैंने यहाँ पे ले लिया है सिरका, 3 खाने के चम्मच मैंने अभी सिरका के ले लिए। इससे ना सिर्फ ये प्रिजर्वेटिव के काम आता है, इससे जो है ये सेव इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी, बल्कि ये इसको खट्टा भी करेगा और इसके जायके में भी इजाफा करेगा। यहाँ अचार जबरदस्त मजेदार सा अचार बिल्कुल तैयार है। इसे जो है ठंडा होने के बाद किसी खुश्क जार में रखें और जब भी इस्तेमाल करें तो किसी खुश्क चमचे से ही निकालें, इसे कभी भी गीला चमचा किसी और चीज का इस्तेमाल किया चमचा इस्तेमाल शुदा चमचा जो है नहीं इसमें डालें, वरना अचार बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और इसके अलावा बस ये जो है अचार की थोड़ी सी एहतियात करनी होती है तो इससे इसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। बेहतरीन अचार बनके तैयार हो चुका है। इसे आप मेथी के पराठे, आलू के पराठे, दाल, चावल या अपनी मनपसंद किसी भी चीज के साथ लगा के खाएं और इसे एंजॉय करें। अब देखिए मैं इसको नेक्स्ट क्लिप में आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको बाहर रखा है किचन काउंटर पे 2 महीने, ऑलमोस्ट 2.5 महीने हो चुके हैं, और फिर ये अभी भी बिल्कुल सही है और कैसा है। अब जब इसको खोलेंगे बहुत दिनों के बाद तो इसमें से इस तरह की आवाज आएगी, ये देखें, और इसको देखें, अचार बहुत ही जबरदस्त से हैं, ये बहुत अच्छी तरह गल चुका है। इसे मैंने किचन काउंटर पे रखा है, बिल्कुल भी मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा। इसका जायका भी बेहतरीन हो गया है, अचार को जितना लंबा रखा जाता है उतना ही इसका जायका में अच्छा हो जाता है। बस इसमें ये ख्याल रखना है कि आपको खाते हुए जब भी महसूस हो कि इसमें तेल कम हो रहा है तो आप इसमें डायरेक्ट कच्चा तेल भी डाल सकते हैं या पका के ठंडा करके तेल डालें, लेकिन ये हमेशा तेल से कवर रहना चाहिए। इस तरह से अचार जो है खराब नहीं होता और लंबे टाइम तक चलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।